साहब मेरा पर्स गुम हो गया है। कहाँ गुम हो गया है? सिनेमा हॉल में। कितने पैसे थे? 1000 रुपया था साहब। 1000 रुपया, ठीक है, मिल गया तो रख लेंगे, नहीं मिला तो लौटा देंगे। नेक्स्ट। साहब जी हमारी एक पुस्तक खो गई है। कहाँ खो गई? आकाश में। आकाश? आकाश में? तुम आकाश में क्यों गए थे? बादलों में हमारी एक मीटिंग थी। बादलों में मीटिंग? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आदमी मुझे समझता क्या है? असमत शहर के नागरिक देख रहे हैं। ये क्या है? ये सूटकेस है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इस सूटकेस के अंदर क्या है? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजू बंद कड़े कुंडल और नवरत्न जड़ा मुकुट और ओके ओके आई सी ओके यू सी लेट अस सी। ये क्या? इसमें क्या है मुंडा? हीरे मोतियों से जड़ी कंठ मालाएं, रत्न जड़े बाजू बंद कड़े कुंडल और नव रत्न जड़ा मुकुट। ये आदमी मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्यों साहब जी, इतने आभूषण देखकर चक्कर आ गया ना? आएगा, जरूर आएगा, सबको चक्कर आएगा, लेकिन पहले तुम उस पुस्तक की बात करो। आफ्टर ऑल उस पुस्तक की कंप्लेंट लिखाने तुम पुलिस स्टेशन चलकर आए हो, मतलब वो पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी साहब जी। ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? किसके प्राण कब हरण करने हैं उसमें सब लिखा है। इस आदमी का कैरेक्टर मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे टेररिस्टों को टेरर का फीवर हो जाता है, लेकिन ये अजीब आदमी है। हिट लिस्ट की किताब खो गई है तो उसकी रिपोर्ट लिखाने मेरे पास चला आया है। तुमको क्या लगता है इसके पीछे किसकी बैकिंग है? ओ शट अप। हाँ तो मुन्ना, तुम क्या कह रहे थे कि उस किताब में किसकी जान कब लेनी है ये सब लिखा हुआ है? जी साहब जी। तो क्या उस किताब में मेरा नाम भी लिखा है? 100% लिखा है। सुंदरी, ये हीम क्रीम खत्म होते ही दूसरी हीम क्रीम फौरन ले आना। नहीं नहीं, इस तरह दर्जनों के हिसाब से आइसक्रीम खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे ऐसे बात बात में बच्चों की तरह मुंह फुलाओगे तो कैसे चलेगा? हम तुमसे नाराज हैं। नाराज होना तो मुझे भी आता है। जाओ ना। भैया चलो वनीला आइसक्रीम देने। ए लड़की, जरा हमें भी आइसक्रीम खिलाना। देखिए देखिए, मुझे उन गुंडों से बचाइए। देखिए वो आ रहे। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए, देखिए वो आ रहे, बहुत खतरनाक है। देखिए प्लीज बचाइए। हम बचाएंगे तो हीम क्रीम खिलाओगी? अरे एक दिन पूरी दुकान खरीद दूंगी। देखिए वो आ रहे, बचाइए। ए छोकरे इधर आ। हे मानव, ये दुष्टता किस लिए? जाओ घर जाओ। ये क्या है? हमारा हथियार है। अच्छा तुम्हारा हथियार है? तो ये हमारा हथियार है। ये नाटक कंपनी की गदा से हमारा क्या कर लेगा है? देख लो। यम है हम। हम है यम। ऐसा किसने डिसाइड किया तुम लोगों का? शहर में एक नया दादा आया है भैया। एक ही मारा और ये हाल हो गया। तू हमरे बैच का इज्जत खाक में डिसाइड किया? अरे तुम लोगों का हाकी किधर है? टूट गई भैया। उस दादा के पास एक गदा है भैया। उस गदा के सामने अपनी आंखें चकना चूर हो गई भैया। हम एक फिल्म के अंदर चेन और हॉकी का फैशन देखा तो अपने गैंग का नाम हॉकी बैच डिसाइड किया। अब ये गदा का फैशन कहां से आ गया रे? पता नहीं। ए, आज से हॉकी बन और गदा शुरू।
बूट क्या है, ये जींस क्या है, ये गधा क्या है, कितने मजे से मैं पंखे के नीचे बैठकर अखबार के लिए एडिटोरियल लिखता था। इन गुंडों ने मुझे एडिटर से फाइटर बना दिया। ये मुंह की थैली से कैसा शब्द गिरा रहा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं गिरा रहा हूँ। एक और मर्डर करेगा? नहीं, एक ही मर्डर करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। दूसरा कर ले, बाहर से भी तड़पेगा। नहीं। चुप। अरे ये देख, टेन बैग की ठकरिया आ रही है। चलो जरा डट कर डिसाइड करना। इंस्पेक्टर रंजीत स्लीपिंग। सॉरी सॉरी, इंस्पेक्टर रंजीत स्पीकिंग। अभी आया। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है। अबे ड्रामा शुरू कर। दुर्योधन, तू काहे को इस गधा को आटे की तरह गूंद रहा है? हम इस गधा से तेरा झंगा तोड़ने का। ये क्या धांधली हो रही है? धांधली नहीं हो रही साहब, हम लोग क्या है कि महाभारत का ड्रामा खेल रहे हैं। महाभारत का ड्रामा? लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पे खबर दी थी कि यहाँ बहुत जबरदस्त कुछ दंगा हो रहा है। कौनो गलत खबर दिया है साहब? कौनो गलत खबर दिया है साहब? ये कौन खड़ा है पुतले की तरह? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। कृष्ण कन्हैया साहेब। हेलो हेलो, तो फिर इसकी बांसुरी कहाँ है? ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इसके लिए ही बांसुरी की जगह गधा उठा लिया है, ज्यादा मजबूत है ना। ओके 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 ओके, बहुत मजबूत है। ये लड़की कौन हो तुम? लगता है इन्हें ना महाभारत पढ़ा है ना बिया चोपड़ा का टीवी सीरियल देखा है। ये है द्रौपदी। नमस्कार। आगे से बाल बांध कर रखा करो मेरी तरह। और इन इन हथियारों को खुलेआम लेकर सड़क पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? का ये हथियार? अरे हथियार तो चक्कू बम और पिस्तौल को कहते हैं। तू ड्रामे वाले गधा को हथियार डिसाइड किया इको? ये क्या, मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उल्टा मुझसे पूछ रहा है? इसकी ये हिम्मत? शहर के नागरिकों को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमेशा दांत पाड़ता रहता है। शट अप। ये सब कहां गायब हो गए? इसी का नाम है इंस्पेक्टर रंजीत, जिससे आज तक कोई नहीं सका जीत। मेरे क्रोध की ज्वालामुखी से घबरा कर सब भाग गए। पीछे मुड़। श्रीमान जी भाग। अरे सुनिए सुनिए, भाग भाग जीप इधर आए। अरे जीप बाद में, पहले भाग। हट जाओ हट जाओ, पीछे से हट जाओ। अरे श्रीमान जी, ओहो ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो छोटा रावण? राम की कृपा से हमने कार डिसाइड किया और सवर्णा पैलेस भी डिसाइड किया। उस दिन तुम 1000 रुपया देने का वादा करके चले गए। मैं तुम्हारे इंतजार में रात भर वहां खड़ा बारिश में भीगता रहा और सर्दी बुखार से बिस्तर पकड़ बैठा। पर ऊपर वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और मेरी छत से मेरे ऊपर एक बस बस, इनकी तकदीर खुल गई और ये बन गए तकदीर वाला। आज से मैं अपने मुकद्दर का मालिक हूँ, मुझे मेरी किस्मत मिल गई। पांडो ये ले 1,00,000 रुपए, मेरी तरफ से अपने चमचों को चाय पिला देना। ओके गुरु,
अबे हम जाग रहा हूँ या सपने में कोई फिल्म देख रहा हूँ? खाली चाय पीने के लिए वो हमको लाख रुपया डिसाइड किया, मतलब ये कि वो रुपयों की लंका में रहता है। लता जी, ये क्या बात हुई? ड्रामे के लिए एडवांस लेकर अब आप कह रही हैं कि ड्रामे में काम नहीं करेंगी? मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल मैं एक दूसरा नाटक खेल रही हूँ। दूसरा नाटक? अपने आप को यमराज कहने वाले एक नाटक बाज को मुझे एक महीने तक अपने घर में रखना होगा, और उसके लिए एक आदमी मुझे दिन का 1,00,000 रुपया दे रहा है। मगर क्यों? वो तो मुझे मालूम नहीं। चित्रगुप्त प्रभु, हमने भविष्यवाणी का पता चला लिया। वो कैसे प्रभु? अभी अभी उस सुंदरी को कहते सुना कि कोई व्यक्ति हमें उसके यहाँ रोके रखने के लिए 1,00,000 रुपया रोज का दे रहा है। वो कौन है प्रभु? है कोई एक व्यक्ति। एक व्यक्ति? हाँ, एक व्यक्ति। प्रभु, भविष्यवाणी न मिलने के कारण आपने अपनी शुद्ध बुद्धि खो दी है। प्रभु, इस पृथ्वी पर कई करोड़ व्यक्ति हैं, अब उनमें से वो एक व्यक्ति हमें कहां से मिलेगा? बस, अब तुम देखना हमारी बुद्धि का चमत्कार। ये लड़की हमसे प्रेम करने लगी है। हम इसे मोहब्बत के जाल में मछली की तरह फांस कर उसके मन से सत्य का मोती निकालेंगे और पता चला लेंगे कि भविष्यवाणी किस व्यक्ति के पास है। यू विश मी ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं, बस बस है?